जमीन के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारे घर के जायदाद के, तुम्हारे वस्त्र आभूषण के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, और शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे कर्म का भोग भोगने का कोई हिस्सेदार नहीं होगा, तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा, अकेला भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। इसलिए 16 श्राद्ध में, पितृ पक्ष में, सारी कथाओं में संत ताप ब्राह्मण सूर्यजन संत जन तपस्वी जन सार्वजन जन उपासक जन चिल्ला चिल्ला कर करते हैं कि सत्कर्म करो, ये 16 दिन मिले हैं दान पुण्य भजन कीर्तन करो, खुश हो कि तुम्हारे हाथ का एक रोटी अगर कहीं सही जगह लग रहा है तो इतने लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। संतिम भाई जी का बेटी को 10 साल से मिल गया है, बाबा की कृपा से एक स्थान से मिर्गी बंद हो गई, ये शिव जगह नहीं दाई काम है, जगह च नहीं कहां जगह शिव तत्व की प्राप्ति है। शिव तत्व की प्राप्ति संत शिव तत्व की प्राप्ति अगर भगवान पद दे प्रतिष्ठा दे तुम्हारे को कुर्सी दे सम्मान दे तो प्रयास करना कि शरीर से किसी का पूरा पूरा अच्छा करो, खूब अच्छा करो, श्रेष्ठ करो, बहुत श्रेष्ठ। कल विठलेश्वर समिति का जो अन्न क्षेत्र चल रहा है उसके पास में ही थोड़ा सा नजदीक में खड़े होकर कोई पूरी सब्जी और कोई दूसरी सामग्री मीठा वगैरह को बढ़वा रहा था। समिति के लोगों ने आकर लिखकर सूचना दी गुरुदेव वहाँ जहाँ अपना पिछले सेवा समिति का भोजन 16 का चल रहा है उसी के पास में और भी लोग कोई कोई सब्जी बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। हमने समिति के लोगों से कहा कि उसको धन्यवाद हमारी तरफ से देना कि कम से कम उन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया। ये 16 दिन श्राद्ध में उन्होंने अपने धन का सदुपयोग करा। इस वनवासी क्षेत्र में आकर थोड़ा सा अन्न भाग देकर उन्होंने ये फल मिशन का जो पानी के ताऊ काट रहे हैं उनको धन्यवाद देना, जो पानी की बोतल काट रहे हैं उनको धन्यवाद देना, जो बिस्कुट कुरकुरा बांट रहा है उसको धन्यवाद देना, जो एक अंश मात्र टॉफी भी